नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो विनोटेक गुरु चैनल और आज लेकर आए हम जीएसटी से संबंधित एक वीडियो। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगी। धन्यवाद। चलो चलते हैं आज की वीडियो जो कि स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चनों से है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? आंसर है मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? इसका तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना, उसमें सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी इसलिए हिंदू मुस्लिम इससे नाराज थे। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? मंगल पांडे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया कौन सी सेना से संबंधित थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से, 34। बेगम हजरत महल ने 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया? लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। 1857 जिस टाइम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ उस टाइम भारतीय वायसराय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। वर्ष 1857 के विद्रोह के नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया अर्थात सबसे पहले स्वतंत्रता संग्राम में कौन शहीद हुआ? मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? तांत्या टोपे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की शक्ति का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकणिका था। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग के लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया, वे इस क्रांति से दूर ही रहे थे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मरस्टन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटेन प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मरस्टन। मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व किस नेता ने किया? मेरठ में विद्रोह का नेतृत्व कदम सिंह ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। नेक्स्ट हरियाणा में 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व किस नेता ने किया था? राव तुलाराम ने। और इसी प्रकार बरेली में किस नेता ने किया था विद्रोह का नेतृत्व? खान बहादुर खां। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरठ में कदम सिंह ने, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय ने, हरियाणा में राव तुलाराम ने और बरेली में खान बहादुर खां ने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने विद्रोह किया? पंजाब में नामधारी सिखों ने किया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? बिहार का नेता कौन था? कुंवर सिंह। और उसका देहांत कब हुआ था? 9 मई 1858 को, 9 मई। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली राइफल कब शामिल की गई? जनवरी 1857 में, जो कि विद्रोह का कारण बनी थी। कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन संबंधित था? है पील आयोग। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। ये उर्दू का कवि है जिसने 1857 के विद्रोह को अपने आंखों से देखा है। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। कुंवर सिंह कहाँ का राजा था जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया?
ये बिहार के जगदीशपुर का राजा था कुंवर सिंह। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1857 की क्रांति को अंग्रेजों विरुद्ध षड्यंत्र की घोषणा किसने किया? जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? साहूकार और जमींदारों ने भाग नहीं लिया, क्योंकि ये अंग्रेजों के हितेशी थे, इसलिए इन्होंने 1857 के विद्रोह में इंडियन का साथ नहीं दिया। 1857 में किसने इलाहाबाद को तत्कालीन मुख्यालय बनाया? लॉर्ड कैनिंग ने। क्यों? क्योंकि उस टाइम लॉर्ड कैनिंग ही भारतीय गवर्नर जनरल था और उसने इलाहाबाद को अपना मुख्यालय बनाया। गडकरी विद्रोह का केंद्र कौन सा था? गडकरी विद्रोह है कोल्हापुर। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता, बरेली में विद्रोह किसने किया? यह थोड़ी देर पहले भी आ गया था, बरेली में किया था खान बहादुर खान ने। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। 1857 में किसने अंग्रेजों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर ने संघर्ष 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया, न ही राम प्रसाद बिस्मिल ने भाग लिया और न ही माखनलाल चतुर्वेदी ने। बाद के वो थे स्वतंत्रता सेनानी थे, इसमें सिर्फ उस टाइम शहादत खान ने भाग लिया था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालीन कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप करना, मतलब उन्होंने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग शुरू कर दिया जिसमें गाय की और सूअर की चर्बी थी। गाय की चर्बी से हिंदू नाराज थे और सूअर की चर्बी थे मुसलमान नाराज थे, क्योंकि ये दोनों को मुंह से काटना उनके धर्म के विरोध में था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तांता टोपे का मूल नाम क्या था? तांता टोपे का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। इसी तरह क्वेश्चन आया था लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकणिका। किस इतिहासकार ने 1857 के विद्रोह को प्रथम न ही राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा था? ये कहा था आरसी मजूमदार ने। मेरठ में 1857 की क्रांति का विद्रोह कब आरंभ हुआ? 10 मई 1857 को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर रोज हम एक वीडियो लाते हैं जो कि किसी न किसी टॉपिक पे होती है, जीएस से, करंट से, इतिहास से इत्यादि। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आगे शेयर करें। धन्यवाद।